यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का तोहफा, बड़ा तोहफा, क्लास टू की नौकरियों में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी मिलेगी, रिटायर्ड सैनिकों को जगह मिलेगी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए, सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेश, कितनी बड़ी सौगात? देखिए, मुख्यमंत्री की ये बड़ी सौगात है, बेहतरीन फैसला माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्लास टू की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण योगी सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1(1) को संशोधित करने की कार्यवाही की अनुमति प्रदान कर दी है और वो जो कार्यवाही है शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और ये मांग बहुत समय से जो भूतपूर्व सैनिक हैं कर रहे थे और इस मांग को योगी सरकार ने पूरा किया। ये मांग आज से नहीं है, लगभग कम से कम अगर हम माने तो 3 दशकों से ये मांग की जा रही है। कई सरकारों ने आश्वासन दिया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, योगी सरकार इस फैसले को करने जा रही है और ये एक बड़ा फैसला है। इससे राहत मिलेगी जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो देश की सेवा करते हैं, उनके लिए एक सम्मान की बात है कि सरकार ने उनके बारे में सोचा, योगी सरकार सोच रही है। एक बड़ा फैसला है और बेहतर फैसला है जी। विदेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लंबे समय से मांग की जा रही थी, सरकारें आ रही थी जा रही थी, आश्वासन दे रही थी, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों की बात को कोई सुन नहीं रहा था, उनकी मांग पूरी हो नहीं रही थी। ऐसे में योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, क्लास टू की नौकरियों में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी मिलेगी, रिटायर्ड सैनिकों को जगह मिलेगी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए, सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेश, कितनी बड़ी सौगात? देखिए, मुख्यमंत्री की ये बड़ी सौगात है, बेहतरीन फैसला माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्लास टू की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण योगी सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1(1) को संशोधित करने की कार्यवाही की अनुमति प्रदान कर दी है और वो जो कार्यवाही है शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और ये मांग बहुत समय से जो भूतपूर्व सैनिक हैं कर रहे थे और इस मांग को योगी सरकार ने पूरा किया। ये मांग आज से नहीं है, लगभग कम से कम अगर हम माने तो 3 दशकों से ये मांग की जा रही है। कई सरकारों ने आश्वासन दिया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, योगी सरकार इस फैसले को करने जा रही है और ये एक बड़ा फैसला है। इससे राहत मिलेगी जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो देश की सेवा करते हैं, उनके लिए एक सम्मान की बात है कि सरकार ने उनके बारे में सोचा, योगी सरकार सोच रही है। एक बड़ा फैसला है और बेहतर फैसला है जी। विदेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लंबे समय से मांग की जा रही थी, सरकारें आ रही थी जा रही थी, आश्वासन दे रही थी, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों की बात को कोई सुन नहीं रहा था, उनकी मांग पूरी हो नहीं रही थी। ऐसे में योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला,